स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी वे टू स्टडी विद मीना। स्टूडेंट्स, वी विल लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ ए टूथ, टाइप्स ऑफ ए टीथ एंड टेकिंग केयर ऑफ टीथ। टीथ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ, मतलब टीथ हमारे खाना खाने में, हमारे बोलने में और हमारे फेस को गुड लुकिंग में मदद करते हैं। ह्यूमन बींग्स की होल लाइफ में दांत केवल दो बार निकलते हैं। पहला फर्स्ट सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ एंड सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड अ परमानेंट टीथ। आपको पता है 6 महीने तक बच्चों के दांत नहीं निकलते, सो दे लिव ऑन लिक्विड्स। 6 मंथ्स के बाद बच्चों में दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसको कि हम मिल्क टीथ, प्राइमरी टीथ या फिर टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं। और बच्चों में इस तरह से 3 साल पर 20 टीथ हो जाते हैं। और जब बच्चा 5 से 6 साल का होता है, उसके दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। और इस तरह से जब वो 13 साल का हो जाता है, सभी सारे दांत टूट जाते हैं और उसकी जगह एक फुल सेट ऑफ परमानेंट टीथ का डेवलप हो जाता है, जिसमें कि 28 परमानेंट टीथ होते हैं और 4 विजडम टीथ होते हैं, यानी 32 टीथ। एंड विजडम टीथ यूजली ग्रो एट द बैक ऑफ द माउथ, राइट। पार्ट्स ऑफ टूथ में सबसे पहले क्राउन। क्राउन क्या होता है? ये अपर पार्ट होता है टीथ का, जो कि मसूड़ों से कवर्ड नहीं होता। सेकंड होता है नेक, मिडिल पार्ट जिसको बोलते हैं, जो कि मसूड़ों के अंदर होता है। थर्ड पार्ट होता है रूट, जिसको कि लोअर पार्ट कहते हैं। जबड़े की जो हड्डी के अंदर धंसा हुआ पार्ट होता है, ये रूट कहलाता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम किसी के मुंह को देखते हैं, तो सामने से जो हमें वाइट कलर के दांत दिखाई देते हैं, वाइट पोर्शन जो होता है वो क्राउन होता है। ये क्राउन जो होता है इनेमल से कवर्ड रहता है। अब इनेमल क्या है? ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जो कि शाइनी नेचर का होता है, इसीलिए हमें अपने दांत चमकते हुए दिखते हैं। और ये इनेमल टूथ के इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। नीचे क्या होता है? डेंटाइन होती है, डेंटाइन की लेयर होती है, ये भी हार्डेस्ट होती है, लेकिन इनेमल जितनी हार्ड नहीं होती। ये लार्जेस्ट पार्ट टूथ को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके डेंटाइन के बाद आती है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी जो होती है, ये इनर पार्ट है टूथ का। और पल्प कैविटी के अंदर क्या होती है? नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती हैं। इसीलिए कभी कभी जब हम गर्म सूप या ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाते हैं, या हमारा दांत किसी वजह से टूट जाता है या कोई कैविटी हो जाती है, तो हमें दर्द होता है, वो इसी पल्प कैविटी के कारण होता है। टाइप्स ऑफ टीथ 4 तरह के होते हैं। अगर मैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन और अपीयरेंस के बेस पे देखूँ, तो 4 तरह के टीथ होते हैं, इंसाइजर, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। और इसके अलावा विजडम टीथ भी होते हैं, जो कि मैंने पहले बताया यूजली ग्रो करते रहते हैं। तो फर्स्ट है इंसाइजर। इंसाइजर कितने होते हैं? 4 होते हैं। आप किसी के जब दांतों को देखते हैं, तो सामने के, ठीक सामने के सेंटर के जो 4 दांत नीचे, 4 दांत ऊपर, वो क्या कहलाते हैं? इंसाइजर कहलाते हैं। वो चाइजर शेप्ड होता है, जो हमारे कटिंग में, बाइटिंग में और चॉपिंग में फूड के सबसे पहले मदद करते हैं। सेकंड होते हैं कैनाइन। कैनाइन कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं, इंसाइजर से लार्ज होते हैं, और पॉइंटेड टीथ होते हैं जस्ट बिहाइंड द इंसाइजर। यानी इंसाइजर के राइट हैंड की तरफ एक कैनाइंस होता है और लेफ्ट साइड एक कैनाइंस होता है, ऐसी ऊपर वाले जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में होता है। तो इस तरह से 2 कैनाइंस नीचे और 2 कैनाइंस ऊपर होते हैं, और ये खाने को क्या करते हैं? पाइसिंग और टीयरिंग का काम करते हैं। थर्ड है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स कितने होते हैं? संख्या में 4 होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही नीचे वाले जबड़े में कैनाइंस के दोनों तरफ 2-2, और ऊपर वाले जबड़े में भी कैनाइंस के दोनों तरफ 2-2, तीसरे से 4 हो गए ना। और प्रीमोलर्स का साइज लार्ज होता है और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, और फ्लैट सरफेस होती है जिसमें कि रिजेस निकली होती है। ये क्या करते हैं? अब खाने को इंसाइजर ने कटिंग और बाइटिंग कर दिया, कैनाइंस ने उसको पाइसिंग और टेयरिंग कर दिया, तो प्रीमोलर्स क्या करेंगे? क्रशिंग और ग्राइंडिंग करेंगे और च्यूइंग करेंगे। फोर्थ है मोलर्स। मोलर्स 6 मोलर्स होते हैं, यानी प्रीमोलर्स के दोनों तरफ 2-2 और ऊपर वाले जबड़े में भी 2-2, और मैंने आपको बोला है ना, लेकिन 6 तो 2-2 प्रीमोलर्स होते हैं। और जो बैक वाले एक एक दांत होते हैं, वो विजडम टीथ के होते हैं। यानी नीचे वाले जबड़े में भी 2 विजडम टीथ हो गए, ऊपर वाले जबड़े में भी 2 विजडम टीथ हो गए, बिल्कुल बैक में, माउथ के बिल्कुल बैक में जो होते हैं, ठीक है। और ये मोलर्स जो होते हैं, प्रीमोलर से थोड़े सा लार्ज होता है इनका सरफेस एरिया, ये भी च्यूइंग और ग्राइंडिंग में मदद करते हैं। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात, कि मोलर्स जो होते हैं, ये परमानेंट टीथ में ही प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो इस तरह से 28 परमानेंट टीथ हो गए, 4 विजडम टीथ हो गए, यानी 32 टीथ।
बच्चों दांतों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम दांतों को क्लीन नहीं करेंगे तो टूथ डिके हो जाएगा। अब आप कहोगे मैडम ये टूथ डिके क्या होता है? टूथ डिके का मतलब होता है, टूथ डिके में क्या होता है कि दांतों के ऊपर एक येलो कलर की थिन फिल्म सी बन जाती है। देखा ना आपने, किसी किसी के दांत बड़े येलो येलो से दिखते ना, गंदे गंदे से, तो ये प्लैक क्यों कहलाता है? तो इसी पे क्या होते हैं, फिर बैक्टीरिया वगैरह डेवलप हो जाते हैं जो कि हमारे जो गम्स होते हैं इनको वीक कर देते हैं, इससे कई तरह की फिर डिजीज़ हो जाती हैं। और फिर क्या होता है, टूथ जो हमारा दांत होता है वो भी धीरे धीरे सड़ने लगता है और इसमें कैविटीज बन जाती हैं। अब आप कहेंगे मैम ये कैविटीज बनती कैसे हैं? एक्चुअली जब हम जैसे खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अगर हमने कुल्ला नहीं किया तो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के अंदर चिपके रह जाएंगे। अब इसमें तो आपको पता है शुगर होता है, अब इस शुगर पे क्या होगा, बैक्टीरिया डेवलप हो जाएंगे। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, एसिड को बनाएंगे। ये एसिड क्या करेगा, फिर दांतों का सबसे पहले इनेमल को खाएगा, इनेमल के बाद डेंटाइन को खाएगा और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रेजुअली ये पल्प कैविटी तक पहुंच जाएगा। और जैसे ही ये पल्प कैविटी में आएगा तो हमको दांतों में दर्द चालू हो जाएगा, क्योंकि पल्प कैविटी में मैंने आपको पहले ही बताया नर्व और ब्लड वेसल्स होती हैं। आपने देखा ना कई बार गम से खून भी आता है और फिर इसीलिए हमारे जब इस तरह से प्रॉब्लम होता है तो हमें फिर दर्द फील होता है और हम जोर जोर से चिल्लाते हैं। और फिर जब हम अगर डॉक्टर के पास दिखाने नहीं जाते हैं तो कई बार तो सारे के सारे दांतों को उखाड़ना पड़ जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है इन्फेक्शंस एक दूसरे से लग के हो जाता है। तो बेटा इसलिए शुगर वाली चीज़ें आप लोगों को बहुत कम खानी चाहिए, जैसे स्वीट चॉकलेट्स कोल्ड ड्रिंक्स बहुत कम खानी चाहिए, और अगर खाते भी हैं तो उसको कुल्ला कर लो, ठीक है। अब हम इस टूथ डिके से कैसे बच सकते हैं, सिंपल, आपको दिन में रोज़ दो बार ब्रश करना है और स्पेशली रात में डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने बाद दिखाने जाओ। दूसरा, शुगर वाली चीज़ों को कम से कम खाओ, बैलेंस डाइट लो और मिल्क या मिल्क से बनी चीज़ों को ज़रूर खाओ, क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है जो हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग करता है। और लास्ट में मैं यही बोलूँगी, आप कुछ भी खाना खाओ उसके बाद कुल्ला ज़रूर करो। तो आया ना समझ में टूथ के बारे में? बच्चों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको शेयर ज़रूर करना, जिससे आप जैसे बहुत सारे बच्चे टीथ के बारे में इस वीडियो को समझ सकें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बच्चों आपको टीथ का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना।